बिस्मिल्लाह जी, आजकल चूँकि लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक बहुत इल्मी मौजू है और चूँकि एक वक्त के साथ इसका एक ताल्लुक़ भी है, तो मैं इसको ज़िक्र कर देता हूँ कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करना अपना किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए, जो इसका हमारा मारूफ तरीक़ाकार है, आया हमारे दीन में इसकी गुंजाइश है या हमारे दीन में इसकी गुंजाइश नहीं है, और मुतालबात को मनवाने के लिए हमारे दीन ने फिर इसके अगर ये चीज़ ठीक नहीं है तो क्या उसका निमूल बदल हमारे दीन ने दिया है। ये एक ऐसा मारिकतुल आरा मसला है जो उलमाए किराम के दरमियान डिस्कस होता चला गया। जब से ये रस्म दुनिया में शुरू हुई है लॉन्ग मार्च वगैरह की, एहतजाजात करने की, पुरअमन एहतजाजात, तो ये मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। देखिएगा कि अरब के जो बड़े बड़े उलमाए किराम गुजरे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा मारिका रहा, एक बहुत बड़ी बहस रही है इस मसले के अंदर, लेकिन अरब के जो उलमा हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो तहकीक के इख्तलाफात को और तहकीकात को और ये इल्मी मुबाहिसे को एक बड़ा पसंद भी करती है और इल्मी मुबाहिसात करती भी है, दलाइल देती हैं, दूसरा नकद करता है, तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल भी वहाँ का रहता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता, यहाँ पर आपको इल्मी इख्तलाफ कर दे तो जो मुखालिफ है वो इसी को ही फासिक, इसी को ही गुमराह और इसी को ही बदमज़हब करार देने पे तुल जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये इल्मी इख्तलाफ के जो आदाब हैं इससे लोग ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं। अच्छा, अरब के जो उलमाए किराम हैं उसके अंदर मैं आपको बयान कर देता हूँ, जैसे मक्का मदीना हरम के जो उलमा हैं बड़े बड़े, जैसे अल्लामा इबन उसैमीन साहब हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसके अलावा अल्बानी साहब जो थे वो, उनका मौक़िफ़ यही रहा था कि ये जो सिलसिला एहतजाज का अब जदीद दौर के अंदर मुतारफ़ हो चुका है, लॉन्ग मार्चेस वगैरह करना हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपने मुतालबात मनवाने के लिए दीगर एहतजाजात के जो तरीक़ेकार हैं, इसको जायज़ नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो दलाइल कायम करते थे कि ये इसकी हमारे दीन में असल नहीं है और कुफार से अडॉप्ट किया हुआ ये तरीका। हमारे दीन ने ऐसे मामलात के अंदर एक तरीका और एक नज़म बाकायदा से बयान किया है, उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, इसके मुकाबले में देखेंगे अल्लामा यूसुफ करज़ावी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी ही इनका इंतकाल हुआ है, मिस्र के बड़े आलिम दीन थे, पिछले ही महीने गालिबन इनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े आलिम दीन हैं और उनका रुझान इस जानिब माइल था कि अगर कुछ शरायत उन्होंने ज़िक्र की, अगर उन शरायत के ऊपर इंसान पूरा उतरे तो ये जो लॉन्ग मार्चेस वगैरह करना है, एहतजाजात करने अपने मुतालबात मनवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो मकसद ठीक हो तो ये एहतजाजात किए जा सकते हैं, हमारे दीन में इसकी गुंजाइश निकलती है, चाहे ये काफिरों से अडॉप्ट किया हुआ एक तरीक़ाकार है। ये एक इल्मी मुबाहिसा रहा है। अच्छा, मैं इसको इल्मी मुबाहिसे के तौर पर ही आपके सामने बयान करता हूँ ताकि आपको भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा, यानी कि इनका इन्होंने सबसे पहले क्या दलील दी, उस दलील का रद्द इन्होंने कैसे किया, एक इल्मी मुबाहिसे के तौर पर मैं इसको पूरा एक नक्शा कशी करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले इन दोनों बड़े बड़े उलमा में, दोनों बहुत बड़े उलमा है तबका रहा, इनमें ये इख्तलाफ हुआ, ये जो लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला है हम इसको दीन से मुतालिक करें, ये एक दुनिया और आदत, उर्फ और आदत के काम है, इसलिए कि दोनों के अहकामात में हमारे दीन में फ़र्क आ जाता है। हमारे दीन के अंदर एक चीज़ ऐसी है जिसका एक दुनियावी मामलात के साथ उसका ताल्लुक़ होता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक उसूल दे दिया कि हर चीज़ तुम्हारे लिए माफ़ है जब तक किसी चीज़ की मुमानत कुरान पाक में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सैया साबिता के अंदर नकल ना हो जाए, बाकी सब काम दुनिया के जायज़, यानी दुनिया की नेमतों से नफ़ा उठाना, दुनिया के आदतों से नफ़ा उठाना, रस्म व रिवाज से नफ़ा उठाना, जितने भी दुनियावी उमूर के काम होते हैं इन सब के अंदर हमें इजाज़त है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है जब तक ममानत नाम लेकर किसी चीज़ की ना आ जाए। अच्छा, और दीन के जो मामलात होते हैं जिसे हम मुतदय्यन कर दें, तदय्यन कर दें, ताबुद कर दें, इबादात के जितने मामलात हैं, इताअतों के जितने मामलात हैं, ये वो मामलात होते हैं जिसके अंदर इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, इसमें अल्लाह ने जो बयान कर दिया, उसके नबी अलैहिस्सलाम ने जो बयान कर दिया, उस हद से मुतजावज़ इंसान नहीं हो सकता। मसलन अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, जो तरीका जिक्र हो गया उससे ना कमी हो सकती है, ना ज़्यादती हो सकती है, ना इबादत अपनी तरफ से की जा सकती है, और रोज़े कितने रखने अल्लाह ने फ़र्ज़ रखे, ना इसमें कमी करेंगे ना इसमें ज़्यादती करेंगे, जितने भी ताबुदात हैं, इबादात और इताअत के जितने मामलात हैं, इन सबको मुतदय्यन या तदय्यन कहा जाता है, वो दुनियावी उमूर नहीं होते, उसके अंदर हमें पाबंद किया गया है कि बस हमें जो हुक्म अल्लाह का मिल जाए, उसके नबी अलैहिस्सलाम का मिल जाए, हमने उससे तजावुज़ नहीं करना। और दुनियावी जो मामलात हैं, उमूरी आदियाँ जो होते हैं, रसूमात जो होती हैं, इसके अंदर हमें खुली इजाज़त है
कि जब तक ममानत ना आए वो सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। मैं इसके दोनों के दलाइल जिक्र करूँ, इसलिए कि जो लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला है या पुरअमन एहतजाजात का जो सिलसिला है, बुनियादी इख्तलाफ़ ये हुआ था कि आया ये चीज़ ताबुदात के अंदर है या ये चीज़ दुनियावी आदात के अंदर है। तो अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी साहब का नुक्ता नज़र ये था, वो बयान करते थे कि ये जो मामलात हैं ये उमूर आदिया से मुतालिक़ हैं, लिहाजा इसके इसको हमने अलग जहत में देखा। जिनका मैंने जिक्र किया उसमीन साहब हैं, या इसके अलावा अल्लामा अलबानी साहब हैं, शाम के जो उलमा में से थे, बड़े बड़े और दीगर उलमा, उनका नुक्ता नज़र ये था ये उमूर आदिया में से नहीं है, बल्कि ये उमूर ताबुदिया और इताअत के अंदर में से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आता है पहले ये समझिएगा। देखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कुल अरायतुम अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क फजअलतुम मिन्हु हरामा व हलाला। अल्लाह ताला ने कोई रिस्क अगर तुम्हें दिया हो तुम अपनी तरफ से ही हराम बना लो, ये हलाल है ये हराम है, ये हलाल है ये हराम है। इस आयत में अल्लाह ने वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाया कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने बतौर इबाहत के तुम में छोड़ दी हो उसके अंदर अपनी तरफ से हलाल और हराम की तफरीक नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है, वो सब जायज़ के ज़ुमरे में है, मुबाह के ज़ुमरे में है, मुबाह के ज़ुमरे के अंदर है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की वजाहत फरमाई है, और सही रिवायात हैं। मैं ज़िक्र करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इब्ने माजा की रिवायत है और रिवायत हसन दर्जे की, इसके अलावा दीगर रिवायात मौकूफ़ात भी कसीर हैं ये और सही हैं सारी, कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल हलाल मा हल्लल्लाहु फी किताबी, हलाल वो चीज़ है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कर दिया, हराम वो जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया, वमा सकता अन फाहुआ मिम्मा आफा लकुम, और जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने उसके नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई है वो सब तुम्हारे लिए माफ़ है। अच्छा, एक रिवायत में अल्फाज ऐसे हैं कि कई लोग आके नबी अलैहिस्सलाम से सवालात करने लग गए कि घी खाना हलाल है या हराम है, फलां चीज़ खाना हलाल है या हराम, नाम ले ले करके सवाल करने लग गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का नाम लेकर जवाब इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक उसूल समझा दिया, और वो उसूल यही था कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल रखा वो हलाल है, जिस चीज़ को अल्लाह ने कुरान में हराम कर दिया वो हराम है, और जिस चीज़ को अल्लाह ने कुरान में ना हलाल ना हराम जिक्र किया सब तुम्हारे लिए माफ़ है। लिहाजा चीज़ें तीन तरह की हो गई। ये दुनियावी उमूर की बातें, ये दुनियावी उमूर की बातें याद रखिएगा। दुनियावी उमूर के अंदर हर वो चीज़ जिसका कुरान में हलाल होना मिल जाए वो हलाल है, जिसका कुरान में हराम होना मिल जाए वो हराम है, जिस चीज़ के बारे में कुरान में ना हलाल मिले ना हराम मिले वो सब माफ़ हैं, इसी को मुबाह कहा जाता है। मुबाह काम मतलब सब माफ़ी वाले काम है, हमारे लिए इख्तियार करने की इजाज़त है। लिहाजा ये एक असल अपने जहन में रख लीजिएगा। अब कोई हमसे पूछे आजकल के दौर के अंदर कि भाई ये नेमत इस्तेमाल करने का, हम कहेंगे मुबाह, अल्लाह ने तो हराम नहीं, फिर फलां काम करना कैसा, हम कहेंगे दुनियावी उमूर के जितने काम हैं वो सब माफ़ होते हैं जब तक नाम लेकर उसकी ममानत ना आ जाए। ये एक उसूल हो गया। अच्छा, इसके मुकाबले के अंदर हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक इबादात से हो या इताअत से हो, अल्लाह की उसके नबी अलैहिस्सलाम की इताअतों से हो, ताबुदात से हो, उसके अंदर हमें महदूद रहना पड़ता है कि इबादती मामलात के अंदर अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम जो हुक्म फरमा दें उसमें तजावुज़ नहीं होता। देखिएगा, अगर इबादात के मामलात के अंदर, दीनी मामलात के अंदर, तदय्युनात के अंदर भी अगर इंसान हद से तजावुज़ करे तो ये शिर्क के मुतरादिफ हो जाता है। इसलिए कि जो उमूर गैबियाँ हैं, अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, हमने गैबी बात है अल्लाह ने बताई वैसे ही करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इबादत है इसमें कमी ज़्यादती हम नहीं कर सकते, तो जितने भी काम ताबुदात के अंदर दाखिल हो जाया करते हैं उसके अंदर कमी ज़्यादतियाँ नहीं होती हैं, बल्कि उसके अंदर अपनी तरफ से ज़्यादतियाँ करना या लोगों को उसकी इताअत पर मजबूर करना ये चीज़ शिर्क के मुतरादिफ है। इसी से मुतालिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया अमलहुम शुरका शराउलहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्ला, क्या अल्लाह के और भी कोई शरीक बना लिए हैं तुम लोगों ने जो तुम्हारे लिए दीन में उस चीज़ को जायज़ रख ले जिसका हुक्म अल्लाह ने ना दिया, यानी जिस चीज़ का इज़्ज़न अल्लाह ने ना दिया, दीनी मामलात के अंदर, तदय्युनात के अंदर, ताबुदात के अंदर उन किसी चीज़ को जायज़ कह देना या नाजायज़ कह देना, अल्लाह ने इसको अल्लाह के शुरका करार दिया कि वो शरीक हो जाता है अल्लाह के दीनी मामलात के अंदर जायज़ नाजायज़ के हुक्म लगा रहे हैं, ये अल्लाह का इख्तियार है। दीनी मामलात में हमारे लिए क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, दीनी मामलात में हमने क्या करना है, इबादत कैसे करनी है, ईमान किस पर लाना है, गैबी उमूर कितने, ये सब चीज़ें अल्लाह के साथ खास हो जाया करती हैं। तो ये जो दो बुनियादी फ़र्क मैंने बयान किए ये था असल में इख्तलाफ हुआ था अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी में और शाम के और मक्का मदीना के उलमा में। अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी साहब का नुक्ता नज़र ये था, उनके नज़दीक ये जो आजकल लॉन्ग मार्चेज़ होते हैं हुक्मरानों के ख़िलाफ़,
पुरामन तरीकाकार से, पुरामन की ही बात चल रही, इसलिए कि अगर असले वाला खुरूज हो वो तो बगावत होता है। हाकिम पर खुरूज अल हाकिम की जो इस्तेलाह होती है ना कि आप कताल करने निकल पड़े, लड़ने निकल पड़े, उसे तो बगावत कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये पुरामन एहतजाजात की बात चल रही है। अलामा यूसुफ करजावी का नुक्ता नज़र ये था कि ये दुनियावी मामलात हैं, लिहाजा दुनियावी मामलात में अल्लाह ने कुरान में और नबी अलैहिस्सलाम ने जो वाज़े किया वो बात ये थी कि दुनियावी मामलात में सब चीज़ें माफ़ है, हराम वो जिसका नाम लेके अल्लाह ने हराम कर दिया, और ऐसे जो एहतजाजात हैं, मुजाहिरात हैं, इसकी मुमानत पे चूंकि कुरान हदीस पे कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं, हम इसे हराम कैसे कह सकते हैं। इसके मुकाबले में दीगर जो उलमा थे, शाम के उलमा, मक्का मदीना के उलमा, उनका नुक्ता नज़र ये था कि हाकिम के जो मामलात होते हैं ये मामलात आदि उमूर में से हैं ही नहीं, बल्कि ये खालिसतन दीनी उमूर में से हैं, और दीनी उमूर में भी इतना आला दर्जा ये रखते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में इनकी इताअत को अपनी और अपने नबी अलैहिस्सलाम की इताअत के साथ जोड़ करके मिला बयान किया। यानी अल्लाह फरमाते हैं अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर्रसूल, उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और हुक्मरानों की इताअत करो। यानी अल्लाह ने उलिल अम्र की इताअत का जो हुक्म है वो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत के साथ मिलाकर के जिक्र किया है, और अल्लाह की इताअत दीनी मामलात के अंदर ये जितने भी, क्योंकि दुनियावी मामलात तो अल्लाह ने सारी माफ़ कर दिए, जो हुक्म आए अल्लाह के वो मामलात दीनी ही हैं, लिहाजा अल्लाह की इताअत इसके अंदर है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इताअत इसमें दाखिल है, और उलिल अम्र की इताअत इसमें दाखिल है। तो हम कैसे बोलें कि उलिल अम्र की इताअत का मामला फ़कत एक आदि उमूर है, फ़कत एक दुनियावी काम है? दुनियावी काम नहीं, इसका खालिस तन ताल्लुक जो कुरान जिक्र कर रहा है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ज़ुमरे में अल्लाह ने बयान किया, और जिसकी इताअत का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की इताअत के साथ जिक्र किया, हम बोले उसका ताल्लुक तदय्युन से है ही नहीं, फ़कत आदि उमूर के साथ है, तो ये इस्तेदलाल नहायत कमज़ोर है और नहायत दर्जे की बुनियाद कमज़ोर है। तो उन उलमा की तरफ से असल में बुनियाद ये बनाई गई कि जो हुक्मरानी के मामलात हैं, उलिल अमर के मामलात हैं, ये मामलात फ़कत आदि उमूर के नहीं हैं कि इसके अंदर हर चीज़ माफ़ है और हर तरीके से आप चलते चले जाओ, बल्कि इसका ताल्लुक दीनी मामलात के साथ बनता है, इताअत रसूल के साथ इसका अतफ है। और अलामा यूसुफ़ करदावी साहब उनका नुक्ता नज़र ये था कि चूँकि ये मामला आदि उमूर से मुतालिक है और उसके अंदर हर चीज़ एक माफ़ होती है, और जब माफ़ होती है तो इसके अंदर असल ये है कि हर चीज़ जायज़ है जब तक ममानत हमारे दीन में ना आ जाए। उनके नज़दीक ये मामला अलग है, ये मामला तदय्युन का है, हमने वहीं तक रहना है जो हमें कुरान सुन्नत ने जिक्र किया, हम उससे आगे तजावुज़ नहीं कर सकते। ये है वो बुनियादी इस्तेदलाल का इन दोनों उलमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ। ठीक, आगे चलें। अब जब ये इख्तलाफ हो गया तो इसके बाद मजीद दलाइल कायम करना शुरू हुए, और मजीद दलाइल में से सबसे पहले सलफ़ सालिहीन की तरफ चले, सहाबा इकराम की तरफ। क्या सहाबा इकराम के दौर में भी ऐसा हुआ कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है ना इहतजाजात हुए या लॉन्ग मार्चेस वगैरह हुई या इस तरह के मामलात हुए? तो अल्लामा यूसुफ़ करदावी साहब ने यहाँ पर एक दलील बनाई, उन्होंने कहा सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखा जाए तो बिल्कुल सहाबा इकराम की ज़िंदगी के अंदर भी हमें ऐसे मामलात मिलते हैं कि हाकिम अगर एक काम नहीं कर रहा और वो काम कौम के लिए मुनासिब है तो नीचे के तबके वाले लोगों ने प्रेशराइज़ किया हाकिम को अपने अपने अंदाज में, चूँकि आदि उमूर है, हर दौर में अपने लिहाज से प्रेशर डाला जाता है कि वो काम करें वो बेहतर है। इसकी मिसाल नंबर एक अलावा यूसुफ़ करदावी साहब ने दी कि देखिएगा अबू बकर सिद्दीक़ का जब दौरे खिलाफत आया, उस दौरे खिलाफत के अंदर मुसफ का मसला आ गया और बहुत से हुफ्फाज़ थे वो शहीद हो गए थे, तो जब मुसफ़ के जमा करने की बात आई थी, मुसफ़ को लिखने की बात आई थी, तो उमर फ़ारूक अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, ये इमाम बुखारी इस रिवायत को लेकर के आए हैं, उमर फ़ारूक ने कहा कि अगर हम ये काम कर लें, मुसफ़ को जमा कर लें अपने पास, तो बहुत से हुफ्फाज़ शहीद हो गए हैं तो कुरान पाक की हिफाजत का आला दर्जे का इंतज़ाम हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया मैं वो काम कैसे करूं? आसान अल्फाज के अंदर अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं ये तो बिदत का काम है, मैं क्यों करूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। लेकिन उमर फ़ारूक अबू बकर सिद्दीक को बार बार कह रहे हैं ये काम करें इसमें बेहतरी है, कन्वेंस कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, कन्वेंस कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक बार बार कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने यह काम नहीं किया था मैं कैसे करूँ। एट द एंड हुआ ये कि उमर फ़ारूक बार बार कन्वेंस कर रहे हैं और समझाते रहे हैं, समझाते रहे हैं, यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरा सीना अल्लाह ने खोल दिया और सीना ऐसा खोला कि बिल्कुल इस काम के अंदर बेहतर है, अगर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह काम नहीं किया बिल्कुल इस काम के अंदर बेहतरी है। लिहाजा फिर अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक को जमा कर दिया किताबी सूरत के अंदर, ये जो रिवायत आई है हमारे पास इमाम बुखारी की, दीगर कुतुब के अंदर भी आई।
इस वाकये से अलावा यूसुफ करदावी साहब ने बड़े निकात निकाले। नुक्ता नंबर एक, उन्होंने कहा देखिएगा बज़ाहिर कुरान पाक को किताबी शक्ल के अंदर लिख लेना लग रहा है ऐसा है कि इसका दीन से ताल्लुक है, लेकिन ये दीन से ताल्लुक नहीं था और अबू बकर सिद्दीक इसको दीन के साथ ही मुतालिक कर रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया मैं कैसे करूं, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया मैं कैसे करूं, उसको दीन से ताल्लुक बना रहे थे। और जब कोई काम दीनी हो जाता है, मैंने अभी आपको कहा तदय्युन और ताबुद जिसमें हो उसमें भी कमी ज्यादती नहीं की जाती, जितनी बात अल्लाह ने उसके नबी अलैहिस्सलाम ने की ना उसमें कमी करेंगे ना ज्यादती। लेकिन उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक को यही कन्वेंस कर रहे थे ये चीज़ ताबुदात में नहीं है। हर दौर में कुरान की हिफाजत के अलग अलग तरीके आएंगे, 100 साल बाद अलग तरीका आएगा, 200 साल बाद हिफाजत के अलग तरीके आएंगे, तो अपने दौर के हिसाब से उमूर आदिया है, इसके अंदर आप बिल्कुल हर चीज़ माफ़ है। कुरान पाक को इस अंदाज के अंदर आप जमा करें महफूज होगा। यानी आसान अल्फाज के अंदर उमर फारूक एक चीज़ को ठीक समझ रहे थे, अबू बकर सिद्दीक हाकिम वक्त हैं और अबू बकर सिद्दीक उस काम को ठीक नहीं समझ रहे, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, लेकिन उमर फारूक ने बार बार समझाया कन्विंस किया, हाकिम को कन्विंस कर दिया, वो मजबूर हो गए, समझ गए, ओके अब उन्होंने काम किया। इस वाक्य से अलावा यूसुफ करदावी साहब एक नुक्ता निकालते हैं, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि हाकिम अगर कोई काम ऐसा ना कर रहा हो कि कोई मतलब कोई एक्शन उसने ऐसा लिया कि जिससे जो अवाम है उनकी भलाई नहीं हो रही और उसको ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे भलाई हो रही है, लिहाजा नीचे वाले जिस तरह उमर फारूक ने बार बार बात करके बार बार तकरार करके कन्विंस कर दिया अबू बकर सिद्दीक को कि ये काम किया जाए, तो लिहाजा ये जो एहतजाजात हैं आजकल के मुजाहरात हैं लॉन्ग मार्च हैं ये भी असल में हुक्मरानों को मजबूर किया जाता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो ये ठीक काम है ये करो, तो ये प्रेशर डालने का एक तरीका है आजकल के दौर के हिसाब से, दुनियावी काम है डाला जा सकता है, ये इस्तदलाल किया था अलामा यूसुफ करदावी साहब। लेकिन इस इस्तदलाल के जवाब के अंदर जो हज़रत इब्ने उसैमीन साहब हैं और इसके अलावा दीगर उलमा वो बयान करते हैं कि इस्तदलाल नहायत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर इस्तदलाल किया। उसकी वजह यह कि यहाँ पर उमर फारूक बात कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर सिद्दीक हैं खलीफा और हमारे दीन ने बाकायदा चूँकि उन्होंने इस मामले को ताबुद व तदय्युन करार दिया, कहा कि हमें जो नुसूसात मिलेंगे हम उसी तक महदूद रहेंगे और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोनों ने इजाज़त दी है कि हम नसीहत उलिल अम्र को नसीहत ज़रूर करेंगे, इससे कम मना किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। देखिएगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सी हदीसें कि सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि नसीहत उलिल अम्र के लिए की जाएगी, नसीहत मतलब उलिल अम्र से कोई गलती हो रही है उसे समझाया जाएगा कि आप ये काम करें, उनसे कोई गलती हो रही है बताया जाएगा ये गलती हो रही है, तो उलिल अम्र की इस्लाह के लिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खास तरगीब दी है, हमें खास तरगीब दी है, लेकिन ये बात है उलिल अम्र की इस्लाह के लिए। तो उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के साथ मुकालमा किया, उनको समझाया, उनको बात मनवाई, उन्हें कहा यही तरीका कार अगर कोई और करे कि हाकिम वक्त से मिले और हाकिम वक्त को कन्विंस करे, उसको समझाए, अगर वो मना भी कर रहा हो जैसे अबू बकर सिद्दीक मना कर रहे थे, नहीं मुझे तो इस काम में बेहतरी नहीं लग रही, उमर फारूक ने कन्विंस कर रहे नहीं बेहतरी है, नहीं लग रही बेहतरी है, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया मैं क्यों करूं, नहीं बेहतरी है, ये एक दलायल हो तेरे बात हो तेरी, फिर उमर अबू बकर सिद्दीक कन्विंस्ड हो गए। अगर इसी तरीकाकार से अगर कोई हाकिम से मिले और हाकिम की इस्लाह करे, उसको समझाए, उसको कन्विंस करे, कहा यह तो सरी नस हो गई, इस चीज में किसी का इख्तलाफ नहीं है। कहा कि इख्तलाफ है ये कि जिस अंदाज के अंदर एहतजाजात करके प्रेशराइज करके हाकिम को कन्विंस भी ना किया जाए और हाकिम बगैर कन्विंस्ड हुए वो आपके प्रेशर से एक काम को कबूल करे, कहा कि दोनों में बड़ा फर्क है। यहां तो बात है अबू बकर सिद्दीक दलाइल से कन्विंस हो गए, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक काम किया, फिर नीचे वालों को कन्विंस किया, सहाबा को समझाया हम ये काम करने जा रहे हैं। और लॉन्ग मार्चेस वगैरह के अंदर हाकिम कन्विंस हो ना या हो उससे ताल्लुक नहीं है, आपके प्रेशर की वजह से मजबूरन वो काम करे, दोनों में बड़ा फर्क है। ये इस्तेदलाल नहायत कमजोर है और जब इहतमाल आता है इस्तेदलाल कमजोर हो जाता है, इस्तेदलाल इहतमालात की नफी होती है, जहां इहतमाल है वहां इस्तेदलाल कमजोर है। अच्छा इसी तरीकाकार से मजीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मिसाल यूसुफ करदावी साहब ने दी, इसके अलावा चंद मिसालें उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि देखिएगा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर भी जो बागी गिरोह आया था जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया था, वो बागी गिरोह भी चंद मुतालबात लेकर आया था, भाई आप ऐसा कर लें आप माजूल हो जाएँ। ये गिरोह आया और आकर के उसने धरना दे दिया था, उस्मान गनी से मुतालबा करने मुतालबात में शिद्दत आने लगी और शिद्दत के बाद फिर आप उन्होंने कत्ल कर दिया। अभी कत्ल की बात हम नहीं कर रहे, यानी अलामा यूसुफ करदावी साहब के गिरोह के जो उलमा है उनके नज़दीक कत्ल की बात हम नहीं कर रहे, वो जाहिर है वो तो जुल्म किया,
लेकिन जिस वक्त वो गिरोह आया था और कत्ल से पहले मुतालबात कर रहा था कि हमारी ये बात माने, हमारी ये बात माने, हमारी ये बात माने, तो किसी भी सहाबी ने, वो अहले मिस्र के लोग थे जो मिस्र से एक लॉन्ग मार्च की सूरत में आए थे, एक गिरोह की सूरत में आए थे, गिरोह की सूरत में आके उस्मान गनी के घर के बाहर धरना लगा दिया, धरना लगा के बैठ गए, अपने मुतालबात सामने रखे, फिर ये मुतालबात बढ़ते 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 शहीद कर दिया उस्मान गनी को। शहादत तक अभी बात नहीं गई, शहादत को अभी आप निकालें। नुक्ता समझाने वाला ये, वो एक मार्च की सूरत में आए थे, आकर के धरना दे दिया था, इस धरने को जब तक शहादत नहीं हुई थी किस सहाबी ने हराम बोला था? यानी कि हजरत अली वहां मौजूद थे, हसन बिन अली वहां मौजूद थे, जब तक हजरत उस्मान गनी को कत्ल करने की बात नहीं आई थी, मुतालबात थे सिर्फ हमारी ये बात भी माने, हमारी ये बात भी माने, उस वक्त तक इस गिरोह को किसी भी सहाबी ने नहीं कहा था ये हराम काम में मुबतला हो गए, कि ये हराम मुतालबात के अंदर आ गए, फलां मुतालबे के अंदर आ गए वगैरह गए। तो इन उलमा के नज़दीक ये दलील दी गई कि सहाबा इकराम के दौर में भी एक लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर गिरोह आया, उस्मान गनी के घर के बाहर बैठ गया, हाकिम से मुतालबे कर रहा था। वो अलग बात है कि इनमें शर पसंद अनासिर थे, उन शर पसंद अनासिरों ने फिर वो बात कत्ल तक चली गई, उस्मान गनी को शहीदी कर दिया। लेकिन हम शहादत की बात को निकाल दें, जब तक बात शहादत की नहीं गई थी, कत्ल की नहीं थी, सिर्फ इनके आकर के बैठने को और मुतालबात करने को किसी सहाबी ने हराम नहीं बोला। नज़रत अली ने फतवा दिया था कि जो तुम लॉन्ग मार्च लेकर आए हो मिस्र से, यही हराम है, तुम्हारा आना ही हराम है। या हसन बिन अली ने फतवा दिया हो, उसामा बिन जैद ने फतवा दिया हो, नहीं। लेकिन जिस वक्त शहादत के मामला हो गए उसके बाद इनको गलत जरूर करार दिया गया था, लेकिन उससे पहले पहले तक गलत करार नहीं दिया गया। अच्छा, इसी के मुकाबले में अब जो हरम के उलामा हैं वो दलील देते हैं, वो कहते हैं उस्मान गनी के इस वाक्य से भी एक इस्तेदलाल कमज़ोर बन रहा है। देखिए कमज़ोर क्या बन रहा है, उन्होंने कहा वाक्या बिल्कुल ऐसा हुआ था, लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर अहले मिस्र के लोग आ गए थे, वो धरना दे दिया था, लेकिन एक कीमती नुक्ता है इसके अंदर जो सनद सही के साथ मरवी हुआ, और वो ये उस्मान गनी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर आपके घर में ही थे, तलवार लेकर खड़े हो गए थे अब्दुल्ला इब्ने उमर, कहा कि मैं कुछ भी गलत काम नहीं होने दूंगा। उस्मान गनी ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ आप माजूल हो जाएँ, यानी आप अपनी सीट छोड़ दें, ठीक है, यहाँ ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे और आपको शहीद कर देंगे। अच्छा, तो उस्मान गनी ने पूछा अब्दुल्ला इब्ने उमर आप हमें क्या मशवरा देते हैं, हम क्या करें? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा उस्मान गनी आप खलीफा वक्त हैं, मेरी बात एक अर्ज करता हूं मैं, उम्मत में ये सुन्नत जारी ना करना कि आप इन लोगों की बुनियाद पे माजूर हो जाएं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अगर ये सुन्नत आपने जारी कर दी तो कल को किसी भी मुतालबे के अंदर किसी भी खलीफा को एक प्रेशराइज किया जाएगा और बात मनवा ली जाएगी, वो बात ठीक हो या नहीं, अगर आपने ये सुन्नत जारी कर दी तो फिर ऐसा ही होगा। ये बड़े कीमती नुक्ता अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बयान किया। लिहाजा हरम के उलमा बयान करते हैं उस्मान गनी के दौर में जत्था जरूर आया था लॉन्ग मार्च लेकर के, लेकिन सहाबा इकराम का मौकफ ये था कि इस तरीक़ाकार को इनके प्रेशर के ऊपर अगर आपने एक इकदाम उठा लिया, अपने आप को माजूल कर दिया, तो ये ऐसी सुन्नत जारी हो जाएगी मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों में फिर इत्तेफाक नहीं रहेगा, बल्कि उस रियाया के अंदर जब कभी किसी को इख्तलाफ होगा, और इंसान इख्तलाफ तो होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं कि मुसलमान सारे मुत्तफिक हो जाएं, बाज़ दिल से मुत्तफिक होते हैं, बाज़ मजबूरन होते हैं, तो वो जत्थे की सूरत के अंदर आ जाएंगे और अपने प्रेशर डाल करके हाकिम से बात मनवा लेंगे, उनको माजूल कर देंगे, उम्मत का इत्तेहाद टूट जाएगा, ये गलत रस्म उम्मत में जारी मत कीजिएगा। लिहाजा इस वाक़े से भी ये नुक्ता निकलता है जो हरम के उलमा बयान करते हैं कि उनके नज़दीक ये जो सूरत है कि कुछ लोग आ जाएं मार्च की सूरत में, प्रेशर डालें हाकिम पर, अपनी बातें मनवाना शुरू कर दें, इस रस्म के सहाबा ने मुशावरत में मशवरा दिया था इस रस्म को जारी मत कीजिएगा, इसलिए उस्मान गनी ने ये रस्म जारी नहीं की और उन्होंने शहीद भी कर दिया, लेकिन आपने इस रस्म को जारी नहीं किया। लिहाजा उन उलमा के नज़दीक ये जो चीज़ है इसके अंदर भी एक दोनों तरफ से दलाइल का एक नकद हुआ, यहाँ से दलील हुई, वहाँ से नकद हुआ। अच्छा, इसी तरीक़ाकार से यूसुफ़ करदावी साहब या इनके जो हम तबका उलमा हैं उनके नज़दीक एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर है कि जो हुक्मरानों से एक आवाम चाहती है कि हमारे हक़ में ये बात हो या हमारे हक़ में ये चीज़ मानी जाए, और हाकिम से मुतालबा करना इस चीज़ का कि जिसका ताल्लुक़ बेहतरी से हो और वो वाज़ तौर पर बेहतरी हो, वह मसलन इस्लामी किसी हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, अल्लाह की हुदूदात कायम नहीं की जा रही, जान माल या इज्जत की बात आ रही हो, मुल्क में जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, इज्जत महफूज नहीं, इसलिए कि हमारे दीन में जान माल और इज्जत इसका बहुत वैल्यू है, इसकी दुनिया में जितने भी फितने होते हैं, जितने भी कत्ल होते हैं, उसके पीछे या जान है या माल है या इज्जत है, यही है।
माल का मसला है कत्लो गारत गिरी हो जाएगी, जान का मसला है कत्लो गारत गिरी हो जाएगी, इसी तरीके से इज्जत का मसला है कत्लो गारत गिरी हो जाएगी। सारी दुनिया के फसाद इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। इसलिए हमारे दीन ने जान माल इज्जत इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है कि आप हदीस से समझिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम में, बुखारी की हदीस है, सहाबा इकराम के सामने हज के दौरान बीच मजमे में लाखों हज़ारों सहाबा के सामने फरमाया था, एक मुसलमान की जान माल और इज्जत इतनी ही कीमती है हमारे दीन में जितना ये मक्का शहर मुसलमानों की नज़र में कीमती है, हज का महीना मुसलमानों की नज़र में कीमती है। यानी एक मुसलमान की जान माल और इज्जत हमारे दीन में उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जैसे हरम है, जैसे मक्का है, जैसे काबा है। तो किसी एक मुसलमान की जान पे बात आएगी जैसे आपने काबे को गिरा दिया, जैसे किसी मुसलमान की माल की बात आएगी उसमें ज़्यादती की, ऐसे ही है जैसे आपने मक्का की बेअदबी की है। एक मुसलमान जब गवारा नहीं करता मक्का की बेअदबी को, काबे की बेअदबी को, तो वो किसी मुसलमान की जान की माल की और इज्जत की बेहुरमती करने का ना सोचे। तो अलामा यूसुफ करज़ावी या दीगर उलमा के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिएगा, जान माल इज्जत या कुरानी अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने इसको काबे के दर्जे के बराबर दी, काबे की इज्जत मक्के की इज्जत के बराबर करार दिया है। अगर किसी दौर में ऐसा हो जाए कि हाकिम वक्त वो जान की हिफाजत नहीं कर पा रहा, माल की हिफाजत नहीं कर पा रहा, इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहा, अल्लाह के हुदूद कायम नहीं कर पा रहा, तो फिर बिल्कुल मुतालबा किया जा सकता है। इसकी एक और दलील उन्होंने ये दी, उन्होंने कहा समझिएगा, हज़रत अली ने जिस वक्त खिलाफत की तो हज़रत अली की खिलाफत के वक्त एक ज़ारा इंतशार का माहौल था और सहाबा किराम में जो इख्तलाफ हुआ इस इख्तलाफ की वजह से बिल्कुल आगे मामला थोड़े एक फितने की तरफ भी चले गए थे। लेकिन हमें सबक लेना चाहिए, सबक ये है कि उस्मान गनी को कत्ल करने के बाद वो कातिलीन जिंदा थे, हज़रत अली खलीफा मुंतखब हुए, लोगों ने बैत की, लेकिन उस वक्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसने पहले मुतालबा किया था और इस मुतालबे के लिए वो अपना एक मार्च लेकर, मक्का से मार्च लेकर वो बाकायदा कूफा गए, बसरा गए, जिसमें हज़रत आयशा सदीक़ा शामिल थी, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, और वहाँ बाकायदा एक मार्च किया उन्होंने, लोगों को कन्वेंस किया कि हमारा मुतालबा है, हम बैत करेंगे, आप ही की बैत करेंगे, खलीफा आप ही को मानेंगे, लेकिन हमारा एक मुतालबा है पहले अल्लाह का हुक्म कायम करें, उनके कातिलीन को कत्ल करें, क़िसास लें, हम आपकी बैत करेंगे। ये एक मुतालबा था जो सहाबा ने किया। अगर तो हाकिम से लॉन्ग मार्चेस की सूरत में मुतालबा मांगना जान माल इज्जत का, अल्लाह की हुदूदात का नाजायज़ हो, तो किसी एक सहाबी ने हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा सदीक़ा के इस इकदाम के ऊपर कि वो क़िसास का मुतालबा कर रहे हैं, किसी ने हराम का फतवा नहीं दिया। इस मुतालबे को किसी ने हराम नहीं कहा, ना हज़रत अली ने कहा, ना किसी और सहाबी ने कहा। वो बाद में फितने की सूरत इख्तियार कर गया और इसकी भी तफसील मैंने पूरी बयान की है कि ये फितना हुआ था उस शरपसंद नासिर की ही वजह से जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत में मुलव्वस थे, सहाबा की तरफ से कोई फितना नहीं हुआ था ये। लेकिन ये जो मुतालबा लेकर के गए थे सहाबा, उन्होंने कहा बैत बाद में करेंगे, पहले हमारा मुतालबा माना जाए, अल्लाह के हुक्म को नाफिस करें। लिहाजा वाज़े दलील है इस बात के ऊपर कि लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए मुतालबात अगर ठीक हो, मुतालबात मनवाने की गुंजाइश हमारे दीन में है। यही वजह है कि बाद में सुलह की तरफ भी मामलात गए, हज़रत तलहा, ज़ुबैर, आयशा सदीक़ा से हज़रत अली की सुलह होने लग गई, जो मुज़ाकरात चलने लग गए और मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्मी नतीजे तक पहुँचने लग गए और सुबह का एक अनाउंसमेंट होना था मुतालबात के ऊपर जो आपस की तय हो गया था और मुसलमानों की एक सुलह का एक कदम भी उठ गया था और रात इतनी खुशी के सहाबा ने गुजारी थी दोनों गिरोहों से कि सुबह इंशाल्लाह ताला मुसलमानों में फिर इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन उसी रात को उसी शर पसंद नासिर ने साजिश की और दोनों गिरोहों के दरमियान एक लड़ाई करवा दी थी और बहरहाल ये एक मामला हुआ। लेकिन इसके ऊपर भी हरम के जो उलमा हैं वो अलग जाविये से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने मिसाल ज़रूर दी कि हज़रत तलहा, ज़ुबैर या अम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा, इन्होंने एक मुतालबा किया था, फिर बाद में हज़रत अमीर मुआविया ने मुतालबा किया था, सिर्फ इस मुतालबे को कभी किसी ने हराम नहीं बोला मुतालबे को। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला था? नतीजा एक फितना ही निकला था, फितना ही हुआ। लिहाजा जहन में रखिए, ऐसी चीज़ें अगर हुक्मरानों से प्रेशर के ज़ोर के ऊपर मनवाना शुरू करेंगे उसका नतीजा फितना ही होगा। इसलिए कि ऐसी सूरतों के अंदर जो शर पसंद अनासिर हैं वो आ जाएंगे और वो आकर के फितना ही पैदा करेंगे। लिहाजा जब सहाबा जैसी आला ज़ातें जिन्होंने तरबियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ली, जब उन्होंने भी ऐसा कदम उठाया वो भी फितने से बचा ना सके माहौल को, लिहाजा ये हमारे लिए सबक है।
कि ऐसे इकदाम करना कि अपने प्रेशर के जरिए हाकिमों से बातें मनवाना, यह रस्म अगर जारी हो जाए तो फिर इसका नतीजा फितना ही होता है। लिहाजा ये एक बड़ा बहसी बहस रही है दोनों उलमा के दरमियान, मैंने एक मुबाइसे की सूरत में आपको जिक्र किया। जेन में रखिएगा, ज़िमनन बात कर दूँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाज़ लोग कह देते हैं हज़रत तलहा बागी गिरोह हो गए थे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी के फरमान और फरमाने आली शान की तोहीन करते हैं। हज़रत तलहा जंगे जमल में बिल्कुल शहीद हुए थे, लेकिन सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था तलहा शहीद होगा। अब सवाल यहाँ मेरा जहन में रखिएगा, अगर हज़रत तलहा बागी थे तो बागी शहीद कब से होने लग गया, और अगर वो फ़ी सबीलिल्लाह थे तो ही शहीद होंगे, इसलिए कि जो फ़ी सबीलिल्लाह मरता शहीद वो होता है, इसलिए हज़रत तलहा फ़ी सबीलिल्लाह ही, कोई बगावत नहीं थी सहाबा की तरफ से, सहाबा की तरफ से एक मुतालबा था, लेकिन उसका एंड जो है वो एक फितने की तरफ चला गया। लिहाजा ये जो हरम के उलमा ये बयान करते हैं कि ये सिलसिला ठीक नहीं है, ये एहतजाजात करना, लॉन्ग मार्चेस करना और इसके प्रेशर के अंदर आके हाकिम को मजबूरन बात मनवा देना, ये रस्म जारी हो जाए तो ये रस्म फितना पैदा करती है। लिहाजा इसके बदले में हमारे दीन ने एक बड़ा प्यारा निज़ाम दिया है, और वह निज़ाम ये है जिसको हमने आज तक समझा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुक्मरान वगैरह आएंगे, अनसार को नबी अलैहिस्सलाम समझा रहे, फरमाया उनसे अनसार सहाबो तुम लोग बहुत से मुनकर देखोगे, गलत काम भी देखोगे। अनसार ने जिक्र किया हम क्या करें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबर, एक हदीस के अंदर सबर, और एक और जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुक्मरानों की इस्लाह की जाए, यानी वो लोग जो डायरेक्टली उनसे मुखातब होते हैं उनकी इस्लाह करें, उनको समझाएं। नंबर तीन सबसे अहम बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरान को मजबूर कर दिया, अगर वो कभी गलत होगा तो वो खुद मजबूर होकर अपनी इस्लाह कर लेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमा दिया, ला ताअता फी मासियतिल्लाह, हाकिम जब कोई गलत फैसला करे, गलत कानून बना दे जो दीन इस्लाम की कुरान या सुन्नत के मुखालफत पर हो, दीन इस्लाम के मुतारिस कानून, ला ताअता फी मासियतिल्लाह, कोई मुसलमान उसको फॉलो ना करे, ना कोई इदारा उसको कानूनी हैसियत में फॉलो करे, ना कोई आम मुसलमान भी उसको कबूल करे, अल्लाह की मासियत में कबूल ही नहीं करनी हमने बात। ये वो सिस्टम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सब बेहतरीन दिया कि किसी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं होती है हाकिम को मजबूर करने के लिए कि वो कोई कानून गलत बना दिया वापस ले, या कोई फैसला ऐसा कर दिया कि जो कुरान सुन्नत से मुतारिज़ हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मासियत में इताअत ही ना की जाए, अगर तमाम मुसलमान इत्तेफाक कर लें सिर्फ इस एक ज़ाबिते के ऊपर, मासियत का कोई कानून आएगा हमने फॉलो ही नहीं करना, तो वो हाकिम खुद मजबूर होगा कि मेरा ऐसा कानून बनाने का फायदा क्या, मानता तो कोई है नहीं, सब इत्तेफाक कर लेते हैं, रद्द कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, दीवार पे उठा के मार देते हैं, तो हाकिम खुद इस अमली इकदाम से, लोगों की इस अमली इकदाम से मजबूर हो जाएगा गैर शौरी शौरी तौर पर कि मैंने ऐसा कोई बात, ऐसा कोई हुक्म नाफिज करना ही नहीं है जिसको लोग उठा के दीवार पर मार दें। यह है वो मुतबादिल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जहाँ वो जब तक वो कुरान सुन्नत के दायरे के अंदर आपको बात करता रहे मानते चले जाओ, मुबाहात का हुक्म दे मानते चले जाओ, लेकिन जहाँ कोई हुक्म ऐसा आ जाए जो कुरान सुन्नत से मुतारिज हो जाए उठा के दीवार पे मारो, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर। हमारे यहाँ बदकिस्मती होती है हाकिम का हर वो हुक्म जो कुरान सुन्नत के खिलाफ है मज़े हम लोग ले रहे होते हैं, सूद का निज़ाम चल रहा है, सब सूदी कारोबार करेंगे, सूद लेंगे, यानी कि यहाँ मासियत के अंदर इताअत न करने का हुक्म हम करते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्चेस के जरिए हमारा रुझान होता है कि नहीं हम प्रेशर डालें और ये बात माने, उस चीज़ पर अमल करें जो अल्लाह के नबी ने सामने सिखाई, जब गलत हुक्म आए इत्तेफाकी और इज्तिमाई तौर पर उठा के दीवार पे मार दिया जाए, हाकिम खुद मजबूर होगा हम कोई ऐसा हुक्म ऐसा कोई काम ना करें कि जिसको इज्तिमाई तौर पर लोग उठा के दीवार पर मार दें। ये वो तरीका हमें बड़ा प्यारा दिया था, बाकी सब्र करें इताअत करें, और ऐसा कोई काम करना ये जिससे फितने की सूरत पैदा हो जाए उसकी इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये एक इल्मी मुबाइसा था जो हरम के उलमा में और मिस्र के उलमा के अंदर हुआ था, और यहाँ से एक दलील दी जाती थी, वहाँ से एक दलील दी जाती थी, इसके भी और भी बहुत से दलाइल हैं लेकिन मैंने मुख्तसर करके जिक्र किया। बहुत अच्छा मुकालमा है, दोनों तरफ बड़े प्यारे दलीलें हैं, जो बात आपको समझ में उसको फॉलो कर लीजिएगा, और आजकल चूँकि लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला भी है, लिहाजा मेरे नज़दीक रुझान तरजीह दलील से मजबूत बात वो है जो हरम के उलमा कर रहे थे, और जाहिर है उसमें वज़न ज़्यादा है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकअल्लाह खैरा।